कोई मोहब्बत, कोई दरमियानी रास्ता जो बताया है। ये देखो खुदू ना समझोगे, ऐसे वीडियो बनाने आए हैं, लेने के लिए आए हैं। इधर देखो भाई, लेकिन ये ज़रा छोटे हैं, ये इनको अभी अगले साल लेंगे। आप देख ले, आपको पता ही नहीं आप क्या अगले साल लगेंगे यार हमें तो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हालचाल है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपका भाई भी बिल्कुल खैरियत से है। अब यार डेली व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है, बस आप लोगों के प्यार की देर है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बस वो कर लें, बाकी आपके भाई का काम है। आप लोगों का सिर्फ एक काम है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। अच्छा, इससे ये होगा कि घर बैठे ईद के दिनों में आप लोग भी इंटरटेन होंगे, आपका भाई मेहनत करेगा, आप लोगों का इंटरटेन करेगा, बस यही हमारा काम रह गया ना भाई। अभी यार फिलहाल जो व्लॉग स्टार्ट किया है, अभी शाम के टाइम स्टार्ट किया, जुम्मे का दिन था, नमाज वगैरह पड़ी है, पहला व्लॉग पोस्ट किया, दूसरा व्लॉग अब शाम के टाइम स्टार्ट किया है। बाकी सीन ये है कि अभी यार मंडी तो नहीं जा रहे खैर, लेकिन बाहर जो है ना साइड एरिया वगैरह में थोड़ा सा देखने के लिए जा रहे हैं कि यार कोई मिल जाए, अगर कोई बकरे चकरे या जो भी है। तो अभी कजन की कॉल आई थी, मैं वहीं पर निकलने लगा था, बाकी फिर आप लोगों को सीन वहीं चल के बताएंगे, मुझे भी नहीं पता कि क्या सीन वगैरह होने वाला है। अच्छा, यही जो करीब करीब लगे होते हैं रोड वगैरह पे लोग लेके खड़े होते हैं वैडे ये वो बकरे शकरे, उन्हीं से अभी पता वगैरह करेंगे। अगर यहाँ कुछ ना बना तो कल इंशाल्लाह अभी मंडी जाएंगे, नहीं तो अल्लाह करे तो यहीं से आज बन जाए, बाकी भी सीन सीन देखेंगे। खैर अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। खैर फिर मैं कहता हूँ यार निकलते हैं, देर काफी हो गई है, तो फिर निकलते हैं आगे का सीन तुम लोगों को डायरेक्ट चल के बताता हूँ। ओके जी, अभी आ चुके हैं यार, यहाँ पे तो पूरा मंडी का ही सामान लगा हुआ है, चेक करो जी, हर तरफ बकरे ही बकरे और रश ही रश लगा हुआ नजर आ रहा है, चेक करो माशाल्लाह प्यारे हैं। जोड़ी है भाई, क्या रेट है जी, क्या डिमांड है? 180 दोनों है क्या? चौगा है, चौगे हैं। अच्छा, ज़्यादा नहीं मांग रहे इस दफ़ा, ज़्यादा महंगाई मेरे ख्याल से हो गई आप कह रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो महंगाई थोड़ी सी कम हुई है पहले के नस्बत। ओके जी यार, दूसरी जगह भी आ गए हैं, वहीं पे ही थोड़ा सा आगे आए हैं, वहाँ पे तो भाई कुछ बना ही नहीं, 180 ये 2 लाख उससे नीचे आ नहीं रहे थे। अभी भाई मिले हैं हमें, हमारे जानने वाले हैं भाई, भाई कहते हैं मैं सौदा बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं क्या बनता है। आओ भाई जान, बिस्मिल्लाह करो, किस पे रखते हो हाथ? फिर कोई मुनासिब, दो हमने चाहिए बकरे, 2 चाहिए, भाई भी पीछे आ रहे हैं तो देखो कोई बनता है सौदा वगैरह। तो भाई कितने मांग रहे हैं आप यार? देख सोने के दान तो नहीं इसके साजी, 80 डिमांड है, दोंदा है, कोई मोहब्बत वगैरह? आप बता दो, मैं ऐसे में बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। नहीं बनता, देखो बताना नहीं है, ऐसे शर्मिंदा नहीं करना आपने। चुप कर बे कुत्ते। कोई मोहब्बत, कोई दरमियानी रास्ता जो बताया है। ये देखो खुदू ना समझोगे, ऐसे वीडियो बनाने आए हैं, लेने के लिए आए हैं, यकीन मानो शो कराऊं ब्याना दूं, बिस्मिल्लाह करो। 2 लेने हैं, एक आपसे और एक आपके भाई से ले लेंगे। निकल गुस्सा कर गया भाई, कह रहा नहीं यार कम नहीं है, जो मर्जी कर लो, मैंने आज कसम खा ली है कम नहीं करना। आगे देखते हैं भाई, आगे भी नजर वगैरह तो आ रहे हैं, देखते हैं कोई। ये भी खड़े हैं भाई, इधर देखो भाई, लेकिन ये जरा छोटे हैं, ये इनको अभी अगले साल लेंगे, इस साल तो नहीं है। आपको ये पता है जानवर कब कुर्बानी पे लगते हैं? जब ये 14 महीने का हो जाता है ना बकरा, कब कुर्बानी पे लगता है? गया भाई जान, शुरली छोड़ दी भाई, गुस्से में आ गया, हमने कहा निकलने की करे सही है यार, छोटे छोटे बकरे थे, मैंने सच बोला है, आगे गुस्से में आ गया तो क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं, अभी तो काफी है बड़ा भाई, रश वगैरह भी काफी है, देखते हैं फिर आगे चल के। A few inches later, तो भाई एक और जगह पहुंच चुके हैं, माशाल्लाह यार बकरा तो बहुत प्यारा है, चेक करो माशाल्लाह कितना प्यारा यार, खूबसूरत बकरा है, लेकिन डिमांड भाई कितनी कर रहे हो? 1,70,000 बजट से बाहर है, लेकिन मैंने कहा तुम लोगों को दिखाना लाजमी है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। कैसे जानवर तो माशाल्लाह प्यारा है, लेकिन रेंज से बाहर है। हाँ रेंज से बाहर है, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा है। 20 minutes later. Okay जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए, अपने घर निकाला के घर आ गए हैं यार, तो बाकी जो है ना नहीं बना भी सौदा वगैरह, क्योंकि रेट बहुत हाई है, कल इंशाल्लाह फिर मंडी चलेंगे, वहीं का भी लोग आएगा कल डायरेक्ट। अभी यार खातियात बनवाने निकलते हैं, क्योंकि खत काफी जो है रफ हुआ पड़ा, मैंने कहा यार खत वगैरह बनवा लें, टाइम फिर मिलता नहीं है, फिर आगे जानवर वगैरह आ गया फिर बिजी हो जाना, फिर टाइम नहीं मिलता ना तुम्हारा भाई, बिजी बना यार क्यों नहीं समझते आप इतने बेगैरत हो। 10 तो बज गई है, देखते हैं कोई दुकान वगैरह खुली हुई है तो करवा लेते हैं खत वगैरह भी, बाकी बाल चाल तो अब तुम्हारे भाई के हैं नहीं, बाल किधर से कटवाएंगे इस बार, मैं तो यार ये सोच सोच के हैरान हो रहा हूँ, हाथ फेरता हूँ तो यार बाल तो है ही नहीं।
बाकी भाई अब भी तो शुगर मेला लगने वाला, तुम लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वगैरह करके बेल आइकन को दबा लो ताकि आगे आने वाली सारी सीरीज वगैरह तुम तक पहुंचती रहेगी। मैं सही बता रहा हूँ, तुम लोगों का फायदा भाई, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। यार यार बातें बहुत हो गई हैं, निकलते हैं, खर्चा बनवाते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को मिलता हूँ आगे का, फिर घर चलते हैं, फिर उसके बाद सोते हैं, और तो कोई काम शाम नहीं है फिलहाल, अभी चलते हैं फिर खर्चा बनवाते हैं पहले। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर आ गए हैं, खत छत बनवा लिया है। वहाँ पे यार व्लॉग वगैरह नहीं बनाया क्योंकि यार वो बच्चा जो था खत बना रहा था वो शर्मा रहा था, कह रहा था यार वीडियो वगैरह आप मेरी ना बनाया अगर, तो मैंने कहा ठीक है भाई ताबेदार कोई मसला नहीं। अब ये ना समझने लग जाना कि मैंने खत जो है घर में बना लिया तुम्हें मैं टोपियाँ करा रहा हूँ। अरे झूठ बोल रहा है। बाकी अब खत की लुक भी निकल आई है, बेहतर है यार, ईद गुजर जाएगी। वैसे दिल नहीं कर रहा था खत वगैरह बनवाने का, बाकी जो है गुजर जाएगी ईद वगैरह। और यार मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि सीरियसली आज हम लेने के लिए गए थे बकरा वगैरह, भेड़ा तो मंडी से मिलेगा, बाकी बकरा वगैरह लेने के लिए गए थे लेकिन नहीं मिल सका। चलो कोई नहीं, खैर इंशाल्लाह कल दोनों ही जो है इकट्ठे ही ले आएंगे, भाई से भी मेरी बात हुई थी, कोई मसला नहीं कल चलेंगे इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों ने ज्वाइन हो जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है। इतनी तमीज़ से मैंने कभी आप लोगों से बात नहीं की, आप लोग यही समझ रहे होंगे। खैर फिलहाल मैं व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के मेरे चैनल में ज्वाइन हो जाना, मिलते हैं कल। ओके अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।